आप देख रहे हैं YMS News 24। आइए देखते हैं आज की खबर दमोह मध्य प्रदेश से। हेमराज सिंह ठाकुर ब्लॉक ब्यूरो चीफ के साथ सिंग्रामपुर वन विभाग की टीम ने अवैध लकड़ी से लदी पिकअप वाहन को पकड़ा, आरोपी हुआ फरार। दमोह जिला वन मंडल के सिंग्रामपुर वन परिक्षेत्र की देवत्रा बीट में सागौन से लदी गाड़ी को वन विभाग ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। ताज़ा मामला सिंग्रामपुर परिक्षेत्र की देवत्रा वन बीट का है। रात की रात सूचना मिली कि कहीं से सागौन की कटाई करके और लगभग 3-4 लोग यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और कहीं मौके की तलाश करके कहीं भागने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने टीम गठित करके गश्ती जारी की और मौके पर हमने पाया करीब रात को 3-4 के बीच वो हमें गाड़ी मिली, जिसका हमने पीछा किया। पीछा करने पर जब करीब 4:45 बजे के लगभग हमने वो गाड़ी जब्त कर ली, लेकिन अपराधी भागने में कामयाब हो गए। इनके भी तलाश जारी है और लगभग 6 लट्ठे सागौन के जब्त किए गए हैं और गाड़ी भी जब्त की है। गाड़ी का नंबर मैं आपको बताता हूँ। हाँ सर, गाड़ी टाटा पिकअप है, इसका नंबर MP20GA4493 है और गाड़ी बहुत पुरानी है। इसकी अनुमानित सरकारी मूल्य 2 लाख रुपये है और जो 6 लट्ठे सागौन के जब्त किए गए हैं उनका अनुमानित मूल्य लगभग 33,000 रुपये आंका गया है। अपराधियों की तलाश जारी है और जल्दी वो हमारी गिरफ्त में होंगे। सर, ये कहाँ का मामला है? ये हमारे देवतरा सर्किल में देवतरा बीट का ही मामला है।